आज मैं कक्षा अष्टम का चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधे ही चरणम पढ़ा रही हूँ, जिसका अर्थ है अपने कदम को सदैव आगे रखो। श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने अपने इस गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है। श्रीधर राष्ट्रवादी कवि हैं, जिन्होंने इस गीत के द्वारा जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है। इनका जन्म एवं मृत्यु इसमें दिखाया गया है। अब हम लोग इस गीत के उद्देश्य को समझेंगे। अपना आत्मबल ही हमारा साधन होता है। जीवन में बहुत सारी विषम परिस्थितियां आती हैं। उस विषम परिस्थितियों में हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपना लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यह जन जागरण गीत है, जिसमें कर्मठता का संदेश दिया गया है। अब हम लोग गीत को पढ़ते हैं। चल चल पुरतो निधे ही चरणम सदैव पुरतो निधे ही चरणम। निधे ही का अर्थ है रखो, सदैव का अर्थ है हमेशा ही। इसका संधि विच्छेद होगा सदा जोड़ एव सदैव। चल चल पुरता चरणम निधे ही, चलो चलो अपने कदम को आगे रखो। सदैव पुरता चरणम निधेयी, सदैव ही अपने कदम को आगे रखो। गिरी शिखरे ननु निज निकेतनम विनय वियानम नगारोहनम। ननु निश्चित रूप से, निज निकेतनम, निज का मतलब होता है अपना और निकेतनम का अर्थ होता है घर, अपना घर। विनैव संधि विच्छेद विना धन एव अर्थ हुआ बिना ही। नगारोहनम नग धन आरोहनम, नग का अर्थ है पर्वत और आरोहन का अर्थ है चढ़ना। अन्वय देखते हैं। ननु गिरी शिखरे निज निकेतनम, अर्थात निश्चित रूप से पर्वत की चोटी पर अपना घर है। यानम विना एव नगारोहनम, बिना यान के, बिना गाड़ी के ही पहाड़ पर चढ़ना है। बलम स्वकीयं भवति साधनम सदैव पुरतो निधे ही चरणम। स्वकीयं बलम अपना बल, अन्वय देखते हैं। स्वकीयं बलम साधनम भवति, अपना बल ही अपनी ताकत होती है। सदैव पुरतः चरणम निधे ही, इसलिए सदैव ही अपने चरण को आगे रखो। पथि पाशाना विस्मा प्रक्रा हिंस्वा पशुवा परितो घूरा। पथि मार्ग में, रास्ते में, पाशाना पत्थर, विषमा विपरीत, प्रखरा तीक्ष्ण नुकीले, हिंसवा हिंसक पशु, घोरा भयानक। अन्वय हम लोग देखते हैं। पथि विषमा प्रखरा पाषाणा परितः हिंसवा
घोड़ा पशवा, यहाँ पे भ्रमंती क्रिया को जोड़ते हैं हम लोग। रास्ते में विचित्र अजीब से नुकीले ऊबड़ खाबड़ पत्थर हैं तथा चारों ओर हिंसक व्यवहार करने वाले पशु घूमते हैं। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। सुदुष्करं अत्यंत कठिन, यद्यपि जबकि गमनं जाना। अन्वय देखते हैं। यद्यपि गमनं सुदुष्करं खलु सदैव पुरतः चरणं निधेहि। निश्चित रूप से वहां जाना कठिन है, फिर भी अपने कदम को आगे रखो, आगे ही रखो। जहि भीतिं भज भज शक्तिं विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। जहि छोड़ दो भीतिम डर को, भज जपो, विधेहि करो अनुरक्तिम प्रेम। अन्वय भीति जहि शक्तिम भज, डर को छोड़ दो और अपनी शक्ति पर विश्वास करो। तथा राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, उसी प्रकार अपने देश से भी प्रेम करो। कुरु कुरु सततम् ध्येयस्मरणम् सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। सततम् लगातार, ध्येय स्मरणम् अपने लक्ष्य को याद करो। अन्वय सततम् ध्येय स्मरणम् कुरु कुरु सदैव पुरतः चरणम् निधेहि। हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखो और अपने कदम को हमेशा आगे बढ़ाओ, आगे ही रखो। संपूर्ण गीत का भाव यह है कि अगर जीवन में ऊंचाइयाँ को छूना चाहते हैं तो निश्चित रूप से विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी और हमारी परीक्षा लेंगी, लेकिन हमें अपने आत्मबल को इतना ताकतवर बनाना है मानो आग में तप कर सोना बनकर निकले हों। और जब हम सोना बन जाएं तो अपने लक्ष्य को याद करते हुए अपने लिए भी जिएं और देश के लिए भी जिएं और देश के लिए मरें। धन्यवाद।